जी जी सर। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की आज तक आपने वो सारी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर के पाठक बेहद ही ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं, शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करते नजर आते हैं और शिक्षा विभाग में बड़े बड़े एक्शन लेते नजर आते हैं। लेकिन आज दरभंगा से के पाठक की एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जहां वो बेहद ही ज़्यादा खुश थे, यहां तक कि वो शिक्षकों के साथ बातचीत करते हुए मुस्कुरा भी रहे थे। ये तस्वीर शायद एक दो ही तस्वीर ऐसी होगी जहाँ पर के पाठक मुस्कुराते हंसते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आज के पाठक दरभंगा गए हुए थे और वहां जाकर एक स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे। के पाठक जैसे ही स्कूल पहुंचे, वहां का पठन पाठन का काम देखकर, वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखकर और वहां के शिक्षकों को देखकर के पाठक बेहद ही ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बेहद ही ज़्यादा बेहतरीन थी। स्कूल के शिक्षक भी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चों को देखकर के पाठक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और शिक्षकों के साथ उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई। वहाँ जाकर के पाठक ने बच्चों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई, शिक्षकों के साथ भी तस्वीरें खिंचवाने का वीडियो सामने आया है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से के पाठक निरीक्षण करने के बाद शिक्षकों के साथ वीडियो में हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। फोटो नहीं रखा है जी जी थोड़ा थोड़ा हट के रहिए ना, साइड साइड हो अरे फोटो नहीं, आप लोग जांच करवाइए ना, फोटो लेना आपका काम है, फोटो लीजिए ना, फोटो लीजिए। और ऐसे होइए ना मैडम, मैडम थोड़ा ऐसे जाइए ना, ऐसे ऐसे जाइए ना, अजय जी फोटो लीजिए जल्दी इधर से सामने से। जाइएगा तभी कोई जो होता है वहाँ जाइए ना, ग्रुप पे जाइए ना, जाइए ना। सर वे आगे जाइए, संजय सर आप कितना दूर चल रहे हैं? ले लिए हॉस्टल है क्या सर? जी सर आज जो आए हैं यहाँ पे के पाठक जी, क्या उनके द्वारा जांच किया गया, क्या अभी तक जांच किया गया? सबसे पहले वो आए और सबसे पहले बच्चे जो यहाँ लगे हुए थे, लाइन में लगे हुए थे, उनको स्काउट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ट्रेनिंग के बाद बच्चों ने उनका जो है स्वागत किया, फिर जो है माननीय के पाठक साहब वो आए यहाँ पर और उन्होंने जो है अपनी खुशी का इजहार किया और उनके साथ जो है राष्ट्रगान जो है सभी बच्चे और सभी शिक्षक हमारे और जितने भी थे वो सब जो है गाए। फिर उसके बाद जो है वो हमारे जो ऑफिस की तरफ चले, फिर वो ऑफिस में जो है उन्होंने जो है जा कर के कंप्यूटर वगैरह का जो है निरीक्षण किया। फिर उसके बाद जो है हमसे पूछे कि जो है ये कंप्यूटर आपको जो है लगा दें तो कितना, तो मैंने जो है कहा कि हमारे पास जो है कंप्यूटर तो नहीं है लेकिन जो रूम भी नहीं है, अगर कंप्यूटर लगे तो जो है रूम की जो है बिल्कुल जो है ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि क्लासरूम में ही
ये कंप्यूटर को लगवा दीजिए और लगवा देंगे। फिर उसके बाद जो है लैब में गए, ये शौचालय का निरीक्षण किए, फिर उसके बाद जो है खेल का जो है सामग्री उनको देख करके, खुला हुआ देख करके, बच्चों का इस्तेमाल देख करके वो बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद जो है यहाँ लैब में जा करके उन्होंने जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और वहाँ पे जो सामान थे उसके बारे में पूछा। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया? इंस्ट्रक्शन ये दिया कि इसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं, जो माइक्रोस्कोप है वो माइक्रोस्कोप बच्चों को दिखाया जाता है कि नहीं, जो क्लास टीचर हैं या और जो उसके साइंस के टीचर हैं उनको आता है या नहीं। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ PhD भी होल्डर हैं और जो एक जेंट्स और लेडीज हैं बेहतर जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके बाद जो है वो एक क्लासरूम का जो है निरीक्षण किए, जो प्लस टू का वो जो था। फिर उसके बाद जो है यहाँ आए, हम लोगों के साथ एक फोटोग्राफी उन्होंने जो है लिया ग्रुपिंग में, सभी टीचर और जो है सभी जो है गणमान जो है मौजूद थे, जिसमें DO साहब भी जो है दरभंगा मौजूद थे। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है यहाँ से जो है वापसी उनका हुआ और उनको जो है मैंने और हमारे सभी शिक्षक ने जो है धन्यवाद जो है किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तौहीद अहमद है, प्रधानाध्यापक प्लस टू वासुदेव मिश्र उच्च विद्यालय सिमरी दरभंगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।